सर जी बच्चों क्या मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं अपने आप को ही नहीं देख रहा था हेलो बच्चों चलिए शुरू कर देते हैं आज बिना किसी इंट्रो के क्योंकि पंद्रह मिनट हम लोग हो गए हैं लेट और सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर एक बार सारे बच्चे बताओ आवाज आ रही दस मिनट से उलझा हूं दूसरी की डाल के और ठीक है ठीक है ओके ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं द हिंदू आई क्यू आई पी और इसके साथ साथ जो भी एस्पिरेंट यानी यूपीपीसी अपर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन है यानी हमारा चैनल एक बार यार सारे टाइप कर दो जितने भी हो अभी कमी हो लेकिन फिर भी टाइप कर दो यूपी पी रिजल्ट लैब एक बार जरा टाइप करो तो क्योंकि अभी बेचारा ये बड़े स्लो स्लो ग्रो कर रहा है क्या कर रहा है बड़े स्लो स्लो चल रहा है ये अः ये बड़ा स्लो स्लो चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं ये चाहे जितना भी स्लो चलेगा तो बहुत स्लो चल रहा है इस समय और वैसे भी प्री प्री वगैरह का एग्जाम है हर एक स्टेट का तो इसमें आप चिपके रहिए और इसको टाइप करो रिजल्ट लैब एक बार हाँ ये हुई बात सारे टाइप करो तभी आज क्लास आगे बढ़ाऊंगा ठीक है और इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ यार रिजल्ट लैब को चैनल को ये बहुत अच्छा है जो बच्चे 2023-24 वाले हैं वो आ जाया करो इस पे भी क्योंकि यहां पर मैं यूपी स्टाइल में पढ़ाता हूँ हिंदू और आ, आपका यूपीएससी स्टाइल में रहता है तो एक रिविजन भी हो जाएगा तो जिन लोगों को रिवीजन करना है वहां आ सकते हैं ठीक है ऐप फॉलो करो फटाफट यानी जो भी बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं आपको काफी कुछ और यूपीएससी वन ओ वन चैनल पर इकोनॉमिक्स मेड इजी यानी लगातार मैं पढ़ा रहा हूं जुड़ जाओ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक गर्मा गर्म आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर क्लासिक चर्चा करने जा रहा हूं बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है भारत के सामने क्या मुद्दे हैं आईपीआर के संदर्भ में और भारत की तरफ सभी हाल में पार्लियामेंट में आईपीआर को लेकर के क्या हुआ ये सभी विषय हम समझेंगे जनरल स्टडीज पेपर थ्री साइंस एंड टेक में आपके सिलेबस का पार्ट है बौद्धिक संपदा संरक्षण से संबंधित मुद्दे यह सिलेबस का पार्ट है मजा आने वाला है प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ इसके बाद हम आ जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस में इंडियन एक्सप्रेस में, में सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान में रख करके हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी यानी सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को जो थ्रेड्स हैं वो हम यहां से कंप्लीट करेंगे इसके अलावा हम एक निबंध भी करेंगे निबंध कौन सा करेंगे यानी सोशल मीडिया घृणा फैलाने का हेट फैलाने का एक घृणा तो कैसे फैलाई जाती है परिवर्तन अभी तक मैंने पाकिस्तान पर कुछ नहीं पढ़ाया था क्योंकि कुछ नहीं आने वाला जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकता है कि आर्टिकल फाइव क्या था पाकिस्तान का वो चर्चा में है उन्होंने अखबार पढ़ा पूछ लिया आपसे बट अब वहां से कुछ नहीं आने वाला है यानी जब आप मेंस लिखेंगे तो कुछ नहीं आने वाला वहां से क्या आने वाला है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं सत्ता परिवर्तन और इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है उसके बारे में क्या आप सत्ता परिवर्तन से इस बात की संभावना बनती है भारत एवं पाकिस्तान के संबंध मजबूत होंगे तो भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या क्या तनाव के बिंदु है समाधान कैसे होगा कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सांस्कृतिक कूटनीति की क्या भूमिका होगी इस विषय को हम अब करने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा अब इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक है।, है, है उसके ऊपर यह क्वेश्चन यहां पर उठाया गया है एक प्रश्न उठाया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियम में कहीं ऐसा है ही नहीं कि इस प्रकार का प्रतिबंध कोई एक देश या कई देश मिलकर के किसी दूसरे पर लगा सकते हैं यह पूर्णतया गलत है हम इथिक्स में पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में इथिक्स और आप देखेंगे 2020 में जो क्वेश्चन आया हुआ है इथिक्स में इंटरनेशनल आ, रिलेशन में इथिक्स वाला डायरेक्ट यही यानी पूरा एग्जाम्पल जाके चिपक जाएगा इसका मतलब फ्यूचर में भी कोई प्रश्न आएगा इथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए हैं जिसके लिए पूरे विश्व पर यानी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के पास भी कोई कानून नहीं है अमेरिका कैसे किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है आप विचार करिए तो क्या अमेरिका को विश्व ने यानी यूनाइटेड नेशन ने कोई पावर दी हुई है बहुत मजेदार चर्चा होने वाली है यह भी बहुत अच्छा टॉपिक है इसके साथ साथ इंडिया रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड यानी यह भी बहुत अच्छी चर्चा होगी कि आज डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड यानी एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है यानी गैर ऑर्डर वाली विश्व व्यवस्था में भारत क्या भूमिका निभाएगा उसके ऊपर पढ़ेंगे यानी भाषा पर पढ़ेंगे हिंदी भाषा के ऊपर गृहमंत्री साहब का जो स्टेटमेंट है उसके बाद तमिलनाडु की जो प्रक्रिया आई है इसको लेकर के हम पढ़ेंगे खासकर ये टॉपिक हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जिनका भी है तो हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सोसाइटी के लिए भी हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास टॉपिक होगा एक सरसरी निगाह से हमारा परिचय और उसके बाद ये सारी वन लाइनर न्यूज जिसमें काफी कुछ आपके काम का ये मेरे बारे में जानकारी जो भी बच्चे नए ज्वाइन करें और इसके साथ साथ इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हमारे पास ऑप्शन है यानी आप कंप्लीट फाउंडेशन कर सकते हैं प्रीलिम्स मेंस बोथ ठीक है ना कंप्लीट फाउंडेशन जिसे हम कॉम्बो बोलते हैं कॉम्बो में आप यानी ऑप्शनल और जीएस प्री मेंस इंटरव्यू सब करते हैं वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर का हमारे पास है आप यानी अगर आना चाहे तो यहां पर आ सकते हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनकेडमी तरफ से जो मिलता है वो क्या मिलता है उसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलती है इसी के साथ साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अगर आप कॉम्बो यानी कंप्लीट फाउंडेशन नहीं करना चाहते केवल जीएस करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं और अगर जीएस भी नहीं करना चाहते केवल ऑप्शनल करना चाहते हैं तो हर एक ऑप्शनल यहां पढ़ाया जा रहा आप आकर के जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए इसके लाइव कोड का यूज करें और अभी ऑफर शुरू हो गए हैं ऑफर ग्रुप में आपके डाल दिए गए हैं तो आप फटाफट ऑफर को देखें और एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो ले लें चलिए चलते हैं आज का पहला टॉपिक भारत पाकिस्तान संबंधों के ऊपर क्यों आखिर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं देखिए मैं हमेशा से जब पाकिस्तान में उनके संविधान में उठा पटक हो रही थी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था मैं चुप था उसके पीछे रीजन आपने देखा होगा मैंने एक भी टॉपिक नहीं कराया रीजन यह था कि मुझे पता था कि वहां से प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जो अभी चल रहे हैं लेकिन इसके अलावा अब जब आपका एग्जाम होगा बाईस में तेईस में तो पा पाकिस्तान का अविश्वास प्रस्ताव यह नहीं पूछेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या समथिंग समथिंग क्या है ध्यान रखेगा अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे बनेगा देखिए संभावना क्या अब देखिए यानी सिलेबस में हमारे है ना विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियां पाकिस्तान विकासशील देश उसकी नीति और उसकी राजनीति पॉलिटिक्स भी लिखा हुआ विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव तो राजनीति यानी पाकिस्तान की राजनीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह है सिलेबस और दूसरा भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध तो पाकिस्तान की जो राजनीति है पॉलिटिक्स उसका हिंदुस्तान पर इंपैक्ट अब क्या पड़ेगा तो मिस्टर ये देख सकते हैं शाहबाज शरीफ इनकी तस्वीर यहां लगी हुई है और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंधों में दिख सकती है राजनयिक शुरुआत अब दिखे या ना दिखे लेकिन हमें यह पढ़ना है क्योंकि ध्यान रखें राजनयिक शुरुआत क्यों वाई क्योंकि ये जो व्यक्ति है शाहबाज शरीफ ठीक है मीडिया इनको इस रूप में दिखा रहा है कि आते इन्होंने कश्मीर पर बात की अरे भाई हम कश्मीर पर बात करते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं तो वो भी तो कश्मीर की बात करेंगे ना कश्मीर एकदम से नीट एंड क्लीन एरिया तो है नहीं हमारा है बट वो लोग भी अपना दावा करते हैं तो वो अपनी अपने देश में इसकी चर्चा करेंगे पूरे मीडिया ने हिंदुस्तान का अगर आप अखबार उठा लीजिए इंडिया के मीडिया से इतनी यही मेरी मतलब एक अंदर से अफसोस है और मेंस में लिखते समय आपको लिखना है मीडिया बायस मीडिया है याद रखिएगा 2019 के निबंध में भी यह प्रश्न आया था कि बायस मीडिया पूर्वाग्रह वाली मीडिया किस प्रकार के लोकतंत्र किस प्रकार से लोकतंत्र के समक्ष एक संकट है बायसड मीडिया याद रखिएगा तो बायस मीडिया वो लगातार आप देखिए हर जगह यही चल रहा है कि शाहबाज शरीफ ने जम्मू कश्मीर का, का जिक्र किया कश्मीर का जिक्र किया बट आप दूसरी चीज क्यों नहीं दिखा रहे जिस पर इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है कि यहां जो कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक ओपनिंग हो सकती है उसके पीछे रीजन है जो शरीफ परिवार है यानी चाहे नवाज शरीफ हो चाहे जो हो इसको हम बोल सकते हैं शरीफ फैमिली शरीफ परिवार जैसे आप जब श्रीलंका में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं राजपक्षे परिवार क्या पढ़ते हैं श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ठीक है ना चाहे गोटाबाई बने चाहे महिंद्रा बने राजपक्षे परिवार तो जब भी राजपक्षे परिवार सत्ता में आता है तो इनका चाइना के साथ जो संबंध है बड़ा ही मस्त हो जाता है तो ऐसे ही शरीफ परिवार जैसे इमरान तो नवाज सहबाज इनकी पार्टी ये भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इस बात में विश्वास करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध द्विपक्षीय मधुर होने चाहिए इसलिए यह एडिटोरियल यहां पर लिखा गया है क्या कि यानी भारत और यानी शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक डिप्लोमेटिक रीओपनिंग हो सकती यही विषय हम पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखिएगा तो चलिए आगे चढ़ते हैं जीएसटू आई आर और क्यों पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि 2015 में क्वेश्चन आया है उसके बाद अभी तक आया नहीं है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध और अगली यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दी थी याद रखिएगा 2015 का ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो एक बार आप इस पर निगाह मारें देन आपको समझ में आएगा मजा भी आएगा जो भी आप कहना चाहते हैं आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन यानी किन कारणों से भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध खराब है यह प्रश्न इस बात का उत्तर भी दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई आपसे पूछे भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होने के कौन से उत्तरदायी कारक हैं कौन से यानी कौन से कारक हैं कौन से कारण हैं कुछ भी कारक कारण फैक्टर रीजन तो देखिए खुद ही कह रहा पहला आतंकवाद है यानी आतंकवादी गतिविधियां टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या कह रहा है आतंकवादी गतिविधियां और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों यानी परस्पर अविश्वास यानी हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है क्या है परस्पर अविश्वास क्या है ध्यान रखेंगे परस्पर अविश्वास क्या है मेरे प्यारे, प्यारे बच्चों परस्पर अविश्वास ये चीज आप ध्यान में रखिएगा क्या बोलते हैं परस्पर अविश्वास तो देख सकते हैं आप दो रीजन यहां साफ साफ खुद ही दिया हुआ देखिए इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जिस बंदे का कमांड है ना उसकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी प्रीलिम्स की भी और मेन्स की भी देखिए आपसे कोई अगर कल्चरल डिप्लोमेसी या सॉफ्ट डिप्लोमेसी वह इस परस्पर अविश्वास को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती वह इस परस्पर अविश्वास को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है याद रखिएगा उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए अब आप बताइए सांस्कृतिक कूटनीति एग्जाम्पल देकर के आपको प्रूफ करना है जिसके बारे में सारी जानकारी इस एडिटोरियल के लास्ट में आपको मिलने वाली कहां मिलने वाली है अंत में मिलने वाली है याद रखिएगा ठीक है मेरे प्यार बच्चे हो गया क्लियर तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ऑब्वियस है फ्यूचर में भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसलिए एक बार भारत और पाकिस्तान संबंध को हम बेहतर ढंग से समझते हैं शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत हो गए मेरे प्यारे बच्चों और इसी परिप्रेक्ष्य में राइटर ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बायोलिटर रिलेशन द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने की संभावना है यह आप देख सकते हैं याद रखें क्यों 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 क्योंकि शरीफ परिवार हमेशा से इस बात की वकालत करता रहा है कि भारत के साथ संबंध मजबूत होने हो ना हो एक अलग बात है जैसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान या किसी भी राष्ट्र को हम ले तो किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है मेरे प्यारे बच्चों वो कई फैक्टर से चलती है किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जिसमें हम जियो होता है ठीक है ना उसका इकोनॉमिक कंडीशन होता है उसका एक कल्चर उसका एक इतिहास होता है बहुत सी चीजें होती उसी में एक रीजन आंतरिक राजनीति यानी इंटरनल पॉलिटिक्स होता है और जनमत होता है तो स्वाभाविक है कि प्रत्येक देश की विदेश नीति वहां के आंतरिक पहलुओं से वहां के जनमत से भी संचालित होती है तो उसका इंपैक्ट पड़ जाए कोई गहरा और वह कोई डिसीजन ना ले पाए भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में लेकिन फिर भी यहां यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो लोग हमेशा से बेहतर संबंधों के हिमायती रहे हैं याद रखेगा शाहबाज की आखिरी भारत यात्रा दिसंबर 2013 में हुई थी तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी तो बस यही है यानी शाहबाज परिवार का भारत के प्रति यानी नरम होना इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में अब हमारे सामने आता है यानी तनाव के कौन कौन से बिंदु हैं प्लीज एकदम नोट के जैसा है रटते चलिएगा तनाव के मुख्य क्षेत्र तो सीमा पार आतंकवाद आपने पढ़ी लिया कश्मीर का मुद्दा पाक अक्कुपाइड कश्मीर उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा इसी ने क्या किया था यानी चाइना को पकड़ा दिया था तो ये तनाव के मुद्दे हैं जो आजादी के बाद और पाकिस्तान अलग बनने के बाद यानी लगातार दिख रहे हैं और कश्मीर मुद्दा आपके सामने है याद रखेगा क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम अक्साई चीन लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का इस इस प्रकार की चीजें ठीक है ना ये देख सकते हैं आजाद कश्मीर का एरिया यही हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी है तो इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना ये हिंदुस्तान का मैप है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यानी ये एरिया पाकिस्तान का क्योंकि जब भी कोई मेन्स आप लिखिए तो आप डायग्राम जरूर बनाइए मैप वगैरह जरूर बनाइए कोशिश करिए मजा आएगा ठीक रहेगा तो आप देख सकते हैं गुजरात से राजस्थान से पंजाब से जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा भी मिल रही है और ये सारे हमारे विवादित बिंदु हैं याद रखें अब आता है अगला यानी विवाद अगला विवाद का मुख्य बिंदु क्या है एक बार आप देखते हैं। सर क्रीक का विवाद क्रीक कहां है यानी कक्ष के रण में है बच्चों यानी ये देखिए गुजरात में है कक्ष के रण में है गुजरात में और ये केवल 96 सिक्स किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया है याद रखिएगा और यह कहाँ स्थित है गुजरात कक्ष कारण गुजरात और सिंध पाकिस्तान के बीच स्थित है पीटी का भी क्वेश्चन है कक्ष कारण कहाँ स्थित है और यह कितना बड़ा है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया और पाकिस्तान कहता है कि 1914 में एक समझौता हुआ था उसके तहत यानी पूरा का पूरा एरिया किसका है वो सिंध के अंतर्गत आता है इसलिए वो सिंध का क्षेत्र है और सिंध पाकिस्तान में है तो हमारा क्षेत्र है तो तनाव के क्षेत्र बच्चों देख सकते हैं आप तीन पॉइंट यहां हो गया एक पॉइंट यहां हो गया ठीक है ना अब फिर इसके बाद आते हैं सारी बातें हैं देखिए ये है सर क्रिक ये, ये देखिए पतली सी एक देख सकते हैं पतली सी एक सीरीज गई है ये वाली ठीक है सर क्रिक आप बना सकते हैं ध्यान रखिएगा ये हो गया यहां से कक्ष का रण और ये हो गया आपका यानी क्या है सिंध का पूरा एरिया आप देख सकते हैं ये जा रहा है इसके बीच से तो इसको आप याद रखेगा यानी एक छोटी सी पट्टी है स्मॉल स्ट्रिप है वाटर की याद रखें बट दो इसका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत बो, ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए तो इसका आर्थिक महत्व है इस वजह से कोई किसी को देना नहीं चाहता इसके अलावा अब क्या हो गया जल विवाद जल विवाद क्या है यानी सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने मीडियोकिंग की मध्यस्थता की और उसके माध्यम से सिंधु जल संधि 1960 में संपन्न हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में इस संधि के अनुसार जो रावी है रावी सतलज और ब्यास ये नदियां भारत को दी गई जबकि सिंध झेलम और चनाब नदियां पाकिस्तान को दी गई याद रखिएगा यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बट अब देखिएगा यहां बताया गया है कि यह संधि इस विवाद को दूर करने में विफल आवाज आ रही है एक एक बार आप बताना आवाज आ रही होगी बच्चे ठीक है ना बीच बीच में होता रहेगा बट आप लोग पढ़ते जाना पाकिस्तान के बीच यानी यह संधि विवाद को दूर करने में विफल रही है क्यों विफल रही मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि जो सिंधु बेसिन सिंधु बेसिन का जो सोर्स होती है यानी जिन नदियों से यह पूरा नदी तंत्र चल रहा है याद रखें यानी जिन नदियों से यह पूरा नदी तंत्र चल रहा है चाहे राबी हो चाहे व्यास हो चाहे सतलज हो चाहे चनाब हो चाहे झेलम हो चाहे इंडस हो वो इंडिया में पड़ती है क्या कहां पड़ती है बहुत अच्छा पॉइंट है कि यह संधि विवाद को दूर करने में विफल रही क्योंकि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियां भारत में थी जिससे पाकिस्तान में सूखा और अकाल पड़ने की संभावना थी और पाकिस्तान इसको मानता नहीं है यानी बार बार इसका इस पर अपने ढंग से कुछ बांध बन विवाद और और बना रहता है याद रखेगा पिछले सरकार मोदी सरकार ने जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था तो साफ साफ कह दिया था कि भारत क्या करेगा यानी भारत अब अपने हिस्से का नदी का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देगा यानी जो सिंधु नदी की तीन नदियां भारत में है उसका पानी पाकिस्तान नहीं जाने देगा अब आप समझ सकते हैं पानी का सोर्स है वो नदियां अगर पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो पाकिस्तान में क्या होगा यानी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं यहां पे आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब ये हो गया यानी तनाव के बिंदु अब उसमें चाइना का फैक्टर है लेकिन मैं चाइना का फैक्टर ला नहीं रहा हूं बट चलिए ला ही देता हूं क्योंकि एडिटोरियल में कहीं जिक्र नहीं है एडिटोरियल में कहीं जिक्र नहीं है आ, इंडिया पाकिस्तान के मध्य तनाव के जो मुख्य क्षेत्र हैं, तो अब यहां पर मैं ला रहा हूं किसको चाइना को किसको चीन को ये इसलिए लेकर के आ रहा हूं अभी आप देखेंगे इंडिया नेपाल के रिलेशन पर मैं क्योंकि यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं रिजल्ट लैब नामक एक चैनल है यूपी पीसीएस का मेरा अपना तो वहां पर मैंने एक भारत और नेपाल के संबंधों पर दो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं 2018 से लेकर 2021 तक के मेंस में यानी चार सालों में आप देख अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और आप देखेंगे वहां पर पहली बार तो भारत नेपाल संबंधों में तनाव के बिंदु पूछा फर्स्ट टाइम यानी 2018-19 में अगर आप लोगों को याद हो बच्चे तो क्या पूछा इंडिया नेपाल रिलेशन में टेंशन के कौन कौन से बिंदु है फिर क्या पूछ रहा है दूसरी बार यानी किसी और साल 19-20 में कह रहा है कि भारत नेपाल संबंधों को बिगाड़ने में या मजबूत करने में यानी भारत नेपाल के संबंधों में चीन का रोल यानी चीन की चाइना की भूमिका रोल आप चाइना पूछ लिया तो आप देख सकते हैं इसीलिए भारत पाकिस्तान के के संबंधों में चाइना की भूमिका को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत चीन भारत पाकिस्तान संबंधों को के तनाव को बढ़ाने में चीनी फैक्टर की भूमिका तो ऑब्वियस है चीनी फैक्टर की भूमिका है क्योंकि चाइना एशिया में और विशेषकर दक्षिण एशिया में भारत को प्रत्येक प्रकार से घेरना चाहता है इसमें वह पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ करके उसे आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं पर खर्चा करके जैसे वन बेल्ट वन रोड तो वो क्या कर रहा है यानी पाकिस्तान को अपने साथ मिला करके और पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट में ऑबियस उसकी भूमिका बड़ी है वो नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया में भारत क्या रहे संतुलित और शांत स्थिति में बन करके विकास करे वो चाहता है भारत हमेशा डिस्टर्ब रहे तो चाइना की भूमिका है एक पॉइंट यह भी आप दिमाग पर रख लीजिएगा अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं अब आता है कि कब से बिगड़े ज्यादा यानी भारत पाकिस्तान संबंध कब से ज्यादा बिगड़े अब आप देख सकते हैं ठीक है ना यानी उरी हमले पर कब से यानी 2016 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी उरी जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने सशस्त्र बलों के शिविर पर आतंकवादी हमला किया याद रखिएगा क्लियर है और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की कश्मीर में जहां जहां पर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां जहां पर आतंकी कैंप लगे थे तो संबंध यहां से हमारे खराब हुए यानी इसका मतलब भारत पाकिस्तान के संबंधों को नुकसान पहुंचाने में यह पॉइंट हमेशा याद रखिएगा भारत पाकिस्तान के संबंधों को नुकसान पहुंचाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो किसकी रही है भारत पाकिस्तान के संबंधों को नुकसान पहुंचाने में यानी आतंकवाद की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है आप ये सारे एग्जाम्पल इस बात को प्रूफ करते दो 2019 में फिर से देखिए पुलवामा अटैक हो गया ठीक है ना अब आप देख सकते हैं ठीक है और इसके खिलाफ भारत ने क्या, क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर के बालाकोट प्रशिक्षण शिविर पर, पर हवाई हमला कर दिया किसके जैसे मोहम्मद के पुलवामा और फिर भारत का अटैक हो जाता है तो ये सारे संबंध खराब होने के सबसे बड़े कारण है चलो ये भी हो गया तनाव के कारण और तनाव के बिंदु एकदम से क्लियर हो गया और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि शाहबाज शरीफ के आने से एक संभावना भी बनी अब आता है कि भाई कैसे यानी चलो तनाव है सब कुछ है अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है और कही कहीं ना कहीं शाहबाज शरीफ यानी शरीफ परिवार जो सत्ता में आया हालांकि अकेले नहीं आए यानी वो कई पार्टियों के सहयोग से आया इसलिए अकेले वो इस एडिटोरियल में लिखा नहीं गया बट अकेले वो डिसीजन ले नहीं सकते कि वो इंडिया के साथ किस प्रकार का संबंध चाहते हैं यानी उनको सामूहिक रूप से डिसीजन लेना पड़ेगा प्रत्येक पार्टी की उसमें यानी एक मिली जुली सरकार है ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है लेकिन फिर भी फिर भी अब यहां पर आता है भारत सॉफ्ट पावर यानी भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर का मतलब है जब हम कल्चरल डिप्लोमेसी यानी सांस्कृतिक पहलुओं का दो देशों के मध्य संबंधों को सुधार करने में इस्तेमाल करते हैं तो भारत आपके सामने है यानी सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी के द्वारा किस प्रकार से क्या करेगा यानी संबंधों को मजबूत कर सकता है तो दोनों देशों के बीच में क्या क्या कामन है जिसके द्वारा हमारे संबंध मजबूत हो सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिकेट कल्चर यानी ये ये क्या है सॉफ्ट पावर के टूल्स हैं सॉफ्ट पावर के उपकरण हैं जिनके द्वारा हम खराब संबंधों को मजबूत कर सकते हैं क्रिकेट कल्चर हो गया इसके अलावा आप देख सकते हैं आयुर्वेदा बुद्धिज्म डेमोक्रेसी इसके अलावा हमारे जो प्रवासी हैं इसके अलावा बॉलीवुड यानी मनोरंजन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके अलावा फूड खाना पकाने और मसालों की भारतीय शैली वहाँ है सेम ऐसे ही गांधीवादी आदर्श वहाँ भी माने जाते हैं ऐसा नहीं है इसके अलावा हमारे औपनिवेशिक ऐतिहासिक संबंध हैं योगा हैं इन सब के माध्यम से यानी आदान प्रदान हम करें तो हम बेहतर कर सकते हैं यहां पर यही कहा गया करतारपुर कॉरिडोर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किसका सॉफ्ट डिप्लोमेसी का या कल्चरल डिप्लोमेसी का आपके सामने याद रखेगा ठीक है ना तो अब आप यहां से समझिए भारत और पाकिस्तान करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नामक मंदिर से जोड़ने के लिए क्या किया उन्होंने समझौता किया सीमा पार संबंध स्थापित हुआ याद रखिएगा ठीक है ना तो ये कहीं कही ना कहीं बेहतर है करतारपुर कॉरिडोर और इसी प्रकार का हमें काम और करना है यानी आगे हमें इसी करतारपुर कॉरिडोर की, की तरह और भी पहल करनी है यानी हमें कल्चरल डिप्लोमेसी कला संगीत नृत्य थिएटर कलाकारों का आना जाना यानी वहाँ के यहाँ आए यहाँ के वहाँ जाएँ क्रिकेट जैसे द्विपक्षीय स्तर पर खेल आयोजन खेलों का आयोजन ठीक है ना तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें आगे करने की आवश्यकता है तो आई होप आप समझ गए होंगे अब भारत पाकिस्तान पर कोई प्रश्न आएगा तो आप भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों पर तनाव भी पता है चाइना का फैक्टर भी पता है फिर उसके बाद समाधान कैसे किया जाए और समाधान में यानी कल्चरल डिप्लोमेसी की क्या भूमिका हो तो एक अच्छा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया अब बताएंगे मजा आया कि नहीं मजा आया अब आते हैं वाई द रेगुलेशन ऑफ सेंक्शन मैटर्स अब ये भी एक टॉपिक यहां पर आके लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबंधों का नियमन क्यों मायने रखता है क्या है प्रतिबंधों का नियमन अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटू आई आर एंड जीएस फोर इथिक्स क्या है जीएस फोर इथिक्स अब आप यहां से देख सकते हैं यानी नीति शास्त्र तो आप देखिए जीएसटू आई आर और जीएस फोर इथिक्स आपके सामने खड़ा हुआ है आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं यहां कहा गया कि प्रतिबंधों से ना केवल आर्थिक नुकसान होता है यानी जब प्रतिबंध लगाए जाएंगे सेक्शन लगाए जाएंगे तो आर्थिक नुकसान होता है उसके साथ साथ यानी याद रखेगा कि जो लोग जो लोग इन प्रतिबंधों की अनुमति देते हैं तो ऑब्वियस है वह उनके सामने भी कानूनी चुनौतियां होती है कि भाई आपने किस आधार पर एक दूसरे राज्य पर क्या लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया क्या इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय नियमावली में बात कही गई है यह बड़ा अच्छा पॉइंट है याद नॉट ओनली लीड टू इकोनॉमिक हार्म बट आल्सो लीगल फॉर स्टेट यानी कि जो सेंशन लगाने वाले राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं कानूनी जवाबदेही उनकी बनती है कि आपने किस आधार पर भैया प्रतिबंध लगाया तो सेंशन का मुद्दा हमारे सामने आ गया लेकिन इसको सबसे पहले मैं यहां कहां लगाऊंगा यानी देख सकते हैं।, में हैं क्या क्या मुद्दे तब और मजा आएगा ठीक है आइए पहले पढ़ लेते हैं फिर वापस आते हैं अब देखिएगा है कि रशिया पर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो यूरोपियन यूनियन हो गया ये 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 रशिया हो गया आप यहां से देख सकते हैं जापान ने लगाया फिर ऑस्ट्रेलिया ने लगाया फिर जर्मनी ने लगाया यूके ने लगाया कनाडा ने लगाया यूएस ने लगाया आपके सामने यानी देख सकते हैं इतने देशों ने जो इस कलर में है इन्होंने क्या किया सैंक्शंस लगाया अब आता है कि वाट इज कंसर्न यानी चिंता की बात क्या है तो ये कहा गया प्रतिबंध एक प्रकार से न्यू वेपन है देशों के पास एक नहीं है। और स्वाभाविक और हम अपने आप को न्यूक्लियर पावर के रूप में सेटल करना चाहते हैं हमारी सॉबी हमारी संप्रभुता है जो हमें भारतीय संविधान से मिलती है तो ऐसे में हमने अपनी संप्रभुता के दायरे में रह करके अपनी संप्रभुता का मान रखते हुए हमने अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया तो तुम कौन होते हो हमारे ऊपर सेंशन लगाने वाले तो ये जो मुद्दा है बहुत बढ़िया मुद्दा है बच्चे अब आता है व्हाट इज़ द प्रतिबंध नए हथियार हैं याद रखिएगा लेकिन यहां कहा गया कि आज का जो विश्व है वो ग्लोबलाइज है अच्छी बात है आपने प्रतिबंध लगाया लेकिन आज के वैश्वीकृत युद्ध में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो प्रतिबंध लगाता है तो स्वाभाविक है जिस पर लगा रहा है उस पर तो तात्कालिक इंपैक्ट होगा रशिया को तो नुकसान होगा लेकिन में। टर्म में नहीं है। में तुम्हें भी नुकसान होगा स्वाभाविक एक्सपोर्टर है ऑयल का नेचुरल गैस का वीट का और ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थ का अब अगर वो सब उसका रुक जाएगा तो आपकी डिमांड एनर्जी सिक्योरिटी तो सबको चाहिए तो जो यूरोप रशिया से नेचुरल गैस क्रूड ऑयल ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो लेगा ही ना तो इसका मतलब है जहां से वो लेगा वो पहले से ही किसी को दे रहा है तो स्वाभाविक है यानी आप उसकी मात्रा कम करेंगे जब चीजें कम होंगी ऑब्वियस उनकी प्राइस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन पूरे वैश्विक स्तर पर आप व्यापक स्तर पर देख सकते हैं एक हो गया दूसरा क्या हो गया यूनाइटेड नेशन की जितनी एजेंसियां किससे चलती फंडिंग फंडिंग से चलती फंडिंग कौन प्रदान करता है यानी विकसित राष्ट्र और जो संपन्न विकासशील राष्ट्र है वो तो कल को अगर अफ्रीका में भुखमरी आ रही है तो स्वाभाविक है खर्चा यूनाइटेड नेशन की विभिन्न एजेंसियों को खरना पड़ेगा तो अंततः वह आप ही के ऊपर तो आ रहा है पश्चिमी देशों के ऊपर तो आ रहा है तो कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रतिबंध का नुकसान ठीक है तात्कालिक रूप से जिस देश पर लगाया गया उस पर पड़ता है लेकिन इस भूमंडली कृत्रिम विश्व में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में उसका इंपैक्ट लगाने वाले देशों पर भी पड़ता है क्यों क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई चेन है अब वो सीमाओं में बधा नहीं है ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता सीमा बहीन बॉर्डरलेस इकोनॉमिक रिलेशन आप देख सकते हैं यही बात यहां पर उठाई गई है देख सकते हैं अब आता है मजा मजेदार जिस पर अपना एथिक्स का वो टॉपिक आके लगेगा एथिक्स का टॉपिक तो ये दो मिनट के लिए बस रुक जाइए पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो और अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे जीएस फोर दो हजार बीस में आया हुआ है सिलेबस है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे यानी आपके सामने है शक्ति की इच्छा विद्यमान है क्या है शक्ति की इच्छा विद्यमान द बिल टू पावर एग्जिस्ट लेकिन विवेकशील और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जाता है बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाई रेस शनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मोरल ड्यूटी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में देख लीजिए इस कथन का परीक्षण कीजिए एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कितना बढ़िया यानी ये कह रहा है विद्यमान है तो सख्त की इच्छा की विद्यमानता के कारण ही सख्त की इच्छा की विद्यमानता के कारण ही आज रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया एक और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड पश्चिमी देशों ने अपने समर्थक देशों के साथ रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो ये जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है इसका भी उद्देश्य क्या है यानी रशिया की शक्ति को छीड़ कर देना और अपने आप को यानी शक्ति एक बड़ी शक्ति के रूप में यानी जो कि रशिया पश्चिमी देशों को शक्ति के स्तर पर चुनौती दे सकता है इसलिए उसकी शक्ति को खत्म करना तो दोनों ही घटनाएं यानी रूस का यूक्रेन पर आक्रमण करना नंबर वन इसके साथ साथ यानी यूरोपियन कंट्रीज का अमेरिका का रशिया पर और अन्य देशों का रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना ये दोनों घटनाएं क्या है यानी शक्ति की इच्छा की विद्यमानता द बिल टू पावर एग्जिस्ट का एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल रूप है आपको इस प्रश्न में पहले यह दिखा देना है करंट अफेयर्स अफेयर चुकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता क्या है विवेकशीलता यानी विवेकशीलता का मतलब क्या होता है विवेकशीलता एक वर्चू है मेरे प्यारे बच्चों क्या है विवेकशीलता एक सदगुण है क्या है ये एक वर्चू है याद रखिए क्या है ये वर्चू है एक सदगुण है यह पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा आप रखेगा और यह सतत अभ्यास से आता है यानी अपने आप नहीं आता सतत जब आप लगातार सही और गलत के मध्य अंतर करते हैं, अपनी लाइफ लाइफ में चाहे लाइफ चाहे प्राइवेट आपकी पब्लिक लाइफ तो सत्य असत्य सही गलत उचित अनुचित के मध्य अंतर करने की जो योग्यता होती उससे हम विवेकशीलता कहते हैं याद रखिए और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत मतलब क्या हो गया मोरल ड्यूटी क्या होती है कि भाई आपको किसी भी परिस्थिति में आपको वही करना चाहिए जो मैक्सिमम के हित में हो इसे हम बोलते हैं मोरल ड्यूटी यानी हम वही करेंगे जो मैक्सिमम के हित में हो हम वही मींस अपनाएंगे जिससे बेहतर एंड यानी ह्यूमन वेलफेयर को नुकसान ना तो तो है इन दोनों के सिद्धांतों से हम रशिया भी नियंत्रित हो सकता है और पश्चिमी विश्व भी नियंत्रित हो सकता है यानी अगर रशिया और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत से चले तो रशिया यूक्रेन में शांति की स्थापना में अपनी भूमिका अदा करेगा नंबर वन। दूसरा, अगर पश्चिमी विश्व इसी विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से चलते हैं तो वो क्या करेंगे वो भी यानी आर्थिक प्रतिबंधों को रोक करके और राजनयिक जो प्रक्रियाएं प्रारंभ करेंगे लगातार बातचीत करेंगे हॉटलाइन 1960 के दशक में कोल्ड वॉर के टाइम पर ही यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हॉटलाइन स्थापित है तो क्यों ना हम बायोलिट्रल बातचीत शुरू करें पहल कोई भी कर सकता ध्यान रखेगा तो ये सारी बातें हैं यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है अब आप बताइए क्या ये टॉपिक हंड्रेड यानी आ करके चिपक गया कि नहीं चिपक गया और यूपीएससी कितना आपके लिए आसान होगा याद रखें ठीक है अब आते हैं वही मुद्दा प्रतिबंध अब देखिए अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन हो रहा अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का यानी देयर इज नो यूनिवर्सल लीगल डेफिनेशन अब देखिएगा जो होते हैं प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं इनकी कोई परिभाषा नहीं है प्रतिबंध का मतलब यहां इकोनॉमिक वॉर यानी आर्थिक युद्ध की बातचीत हो रही है याद रखिएगा आर्थिक युद्ध का मतलब प्रत्यक्ष सैन्य युद्ध ना करके क्या किया जाता है यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे हम आर्थिक युद्ध कहते हैं और क्या यह प्रतिबंध वैध है बहुत अच्छा इन्होंने आज चर्च मजा आ गया लीगलिटी ऑफ सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों की वैधता क्या ये प्रतिबंध लीगल है क्या ये प्रतिबंध लीगल है विधिक है कानूनी है तो आप देख सकते हैं नहीं अब आप देख सके यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश अंतर संबंधों से बनी यह वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में बिना किसी कानूनी आधार के प्रतिबंध लगाना संदिग्ध यानी ग्लोबल इकोनॉमी आज है मैंने पहले ही बताया कि गुड्स एंड सर्विसेस का एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुका है आप अपने यहां जाए किसी स्टोर में आपको वहां कहां का मलेशिया का भी सामान मिल जाएगा आपको न्यूजीलैंड का भी सामान मिल जाएगा इंडिया का तो रहेगा ही रहेगा ठीक है ना और अफ्रीकन कंट्रीज का भी सामान यानी अब सब कुछ यानी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो क्या है ऑब्वियस है बॉर्डरलेस रिलेशन की बात करता है तो ऐसे समय में आप देख सकते हैं कहा गया है कि किसी देश पर प्रतिबंध लगाना और उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आप देख सकते हैं और स्वाभाविक है उसके पीछे कोई लेगिट कोई विधि नहीं है कोई कानून नहीं है तो फिर ये तो सरासर गलत है इसका मतलब है कि रशिया का यूक्रेन पर आक्रमण करना उतना ही गलत है उतना ही गलत है यानी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था होने के बाद जो शांति के लिए काम करती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका इसीलिए गठन किया गया था उसके बाद भी आप आक्रमण का सहारा लेते हैं नंबर वन तो वो भी गलत है लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी विश्व और कुछ अन्य राष्ट्र जो रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं जिसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ रहा है तो ऐसे में वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं और ये दोनों ही उदाहरण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के क्षरण के इरोजन के यानी उदाहरण है यह आपको अपने दिमाग में रखना है और आप मजे से ठीक है ना अब आइए यहां पर एक केस बताया गया है अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंध लगाने का चैंपियन है ये देखिए <laughs> ऐसा है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबंध लगाने का चैंपियन है मेरे प्यारे बच्चों बिना किसी कानूनी आधार के अक्सर प्रतिबंध लगाता है नहीं बिना किसी कानूनी आधार के यानी कोई बेस आर्थिक प्रतिबंध लगाने का क्या इस लेक्चर के पहले आप लोगों को को यानी हम आर्थिक प्रतिबंध तो पढ़ रहे थे मैं भी आपको पढ़ा रहा था लेकिन क्या हमें पता था कि यार ये जो आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं इनका तो कोई आधार ही नहीं होता तो आप देख सकते हैं बिना किसी कानूनी आधार के अक्सर यह प्रतिबंध लगाता रहता है एक केस का जिक्र किया गया जिसे हम निकारा गुआ केस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों निकारा गुआ 1985 में इसने निकारा गुआ सरकार के खिलाफ एक प्रतिबंध लगा दिया था याद रखिएगा आर्थिक प्रतिबंध और वह क्या चाहता था यानी वहां पर अपने अनुकूल सत्ता बने अपने राजनीतिक अपने डिप्लोमेटिक हितों को साधित करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो अक्सर यह करता रहता है याद रखिएगा और निकारा गुआ मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने वाशिंगटन की निंदा की है आप देख लीजिए तो ये आर्थिक प्रतिबंध लगाने में चैंपियन है उन्नीस में, में भारत के ऊपर भी इन्होंने लगा दिया था तो अंकल सैम कम नहीं है याद रखिएगा अब आप देख सकते हैं तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि सैंक्शन लगाएं लेकिन उसको यानी उसके लिए कोई कानून होना चाहिए आप बिना कानून पर किसी बिना कानून के किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं याद रखेगा इससे क्या होगा यानी इससे क्या होगा कि संपूर्ण विश्व की सप्लाई चेन प्रभावित होगी जो कि हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज का जो पूरा चक्र है वो प्रभावित हो रहा है जिससे ह्यूमेनिटी को मानवता को नुकसान हो रहा है देख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल मिल्क प्राइसेस ऑन द राइस ये है आर्थिक प्रतिबंध लगाने का नुकसान तो मेरे प्यारे बच्चे आर्थिक प्रतिबंध और ग्लोबलाइजेशन को जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है अभी वो प्रश्न वहां बना हुआ है पहले आइए उस प्रश्न को देख लेते हैं फिर यहां पर आएंगे प्रश्न क्या बना हुआ है इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड एक वैश्विकृत दुनिया में इकोनॉमिक वारफेयर बोथ द कंट्री दिस एंड आल्सो द कंट्री ऑन विच दर बीज एक वैश्विकृत दुनिया में आर्थिक वारफेयर आर्थिक युद्ध यानी प्रतिबंध लगाना ठीक है ना जो प्रतिबंध लगाते हैं उनको भी और जिस देश पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं दोनों को नुकसान पहुंचाता है चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यानी ग्लोबलाइजेशन में आर्थिक प्रतिबंधों के क्या दुष्परिणाम होते हैं रशिया यूक्रेन संकट मुद्दे पर इस विषय पर चर्चा कीजिए ऐसा भी कोई प्रश्न आ सकता है तो आप हम लोग अब तक समझ चुके होंगे कि क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा नहीं है ध्यान रखिएगा ठीक है तो देख सकते हैं क्या इंपैक्ट है वेजिटेबल सब्जियां तेल दूध इन सब की प्राइसेस क्या होगी बढ़ गई हैं याद रखिएगा रशिया यूक्रेन वॉर हिट्स हाउस होल्ड बजट इन इंडिया आई है यानी रशिया यूक्रेन के युद्ध ने घरेलू क्षेत्र के बजट को प्रभावित कर दिया भारत में अब आप कह हाँ, तो सर न्यूज है न्यूज नहीं है किसी भी इकोनॉमी के हम लोगों ने पढ़ा था ना किसी भी इकोनॉमी के चार मूल क्षेत्र होते हैं किसी भी इकोनॉमी के यानी क्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों गवर्नमेंट सेक्टर होता है सरकारी क्षेत्र होता है फिर प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र होता है फिर कौन होता है हाउस होल्ड यानी घरेलू क्षेत्र होता है जिसमें हम सब शामिल हैं, यानी ये वाले भी और हम सब भी सब शामिल हैं और उसके बाद चौथा यानी एक्सटर्नल सेक्टर यानी विदेशी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा रिलेशन कैसा होता है उससे हम एक्सटर्नल तो क्या है यानी हमारा एक्सटर्नल ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा था यानी मैं ये बता रहा था हाउस होल्ड सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ने का मतलब होता है जीडीपी पर इंपैक्ट पड़ना केवल आम आदमी के लिए महंगाई नहीं बढ़ रही क्योंकि ये जो हाउस होल्ड होता है ना अगर इसके हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो ऑबियस ये इन, इन्वेस्टमेंट भी तो कम करेगा ना याद रखिएगा वार इन यूक्रेन सेंस ग्लोबल फूड प्राइसेस जिंग टू रिकॉर्ड हाई अब देख लीजिएगा और यह मैं नहीं कह रहा हूं अखबार नहीं कह रहा है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी कह रही है कि इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर खाद्य की कीमतें ऊंचाई को छू रही है वाई राइज इन निकेल प्राइज ड्यू टू रशिया यूक्रेन अब देखिए सैडो ऑन शिफ्ट फ्रॉम फाजिल फ्यूज टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब देखिएगा इतना ही नहीं इन्वायरमेंट को भी नुकसान होने वाला है यानी ये सब तो हो ही गया फूड प्राइसेस क्योंकि रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े सप्लायर हैं गेहूं के चावल के इन सब के अब इधर देखिए और लीजिए निकल की प्राइस निकल की कीमत बढ़ रही निकल एक धातु है अब आप देखिए निकल की प्राइस बढ़ रही है और इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब आपके सामने तो यानी जो हम जीवाश्म ईंधन से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं वो भी धीमा पड़ जाएगा तो यानी इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ रहा है ये हमेशा याद रखेगा तो मुझे लगता है निबंध भी आ सकता है फ्यूचर में कि भूमंडलीकरण और आर्थिक युद्ध आ सकता है कि नहीं आ सकता एक बार कमेंट करके बताएं फ्यूचर का क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है फ्यूचर क्वेश्चन निबंध आ सकता है कि नहीं आ सकता तो प्रैक्टिस करिएगा क्या आ सकता है भूमंडलीकरण और आर्थिक युद्ध क्या आ सकता है भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और आर्थिक युद्ध और आर्थिक युद्ध ध्यान रखेगा इकोनॉमिक वॉरफेयर ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक वॉरफेयर आ सकता है कि नहीं आ सकता है तो आप प्लीज ऐसे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए आ जाता है तो हम कहते हैं अरे भगवान कहां से आ गया यूपीएससी बहुत टफ है कोई टफ ऑफ नहीं बस आप थोड़ा सा समय से आगे चले थोड़ा सा समय से आगे चले यानी ये नहीं होना चाहिए कि बस जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ भी सोच अपनी रखेंगे तो बेहतर हो जाएगा अब आता है अगला टॉपिक है इंडियाज रोल इन डिसऑर्डर्ड वर्ड एक ऐसा विश्व है जो डिसऑर्डर्ड यानी इसमें कोई ऑर्डर नहीं है यानी ऑर्डर का मतलब क्या होता है यूनाइटेड नेशन उसकी एजेंसियां उसके नियम आज रेलिवेंट नहीं रह गए प्रासंगिक नहीं रह गए तो इसको क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्ड वर्ड यानी अव्यवस्थित दुनिया तो क्या डेफिनेशन पता लग गया अव्यवस्थित दुनिया की परिभाषा क्या है तो अव्यवस्थित दुनिया की परिभाषा क्या है कि संपूर्ण विश्व को व्यवस्थित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और उसके नेतृत्व में बहुत सी एजेंसियां हैं ठीक है ना उसके अंतर्गत बहुत सी एजेंसियां हैं और उन एजेंसियों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक व्यवस्था की कल्पना की गई थी कैसे कल्पना की गई थी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक कल्पना की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक कल्पना की गई थी डब्ल्यू के द्वारा एक कल्पना की गई थी IMF के द्वारा की गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी ऐसे ही बहुत सी संस्थाएं आईपीसी के द्वारा की गई थी वट एवर वट एवर जितना भी आप याद कर सकते हो तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि आज वो क्या है डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित हो गई आज यूएन इेलिवेंट हो रहा उसकी एजेंसियां इरेलीवेंट हो रही तो ऐसे में भारत की क्या भूमिका और सभी राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहे हैं यह भी है केवल यूएन की के एजेंसी यानी अव्यवस्था में यूएन उसके बाद फिर दूसरा विभिन्न देश तो ऐसे में भारत क्या भूमिका अदा करे तो महत्वपूर्ण है पिछले वाले टॉपिक का ही क्या है महत्वपूर्ण है ठीक है क्लियर बच्चे तो यहां पर क्या देखना है यानी आगे बढ़ते हैं नई दिल्ली एक नई अधिक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी यहां कहा जा रहा है कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में अब अपने आप को स्थापित कर सकता है कौन सा क्वेश्चन याद आया कुछ कुछ याद आया कुछ याद आया 2019 में आया था ना 2019 में आया था नई दिल्ली एक अधिक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था यानी एक ऐसा विश्व भारत यानी भारत एक ऐसे विश्व के लिए काम करे जो ज्यादा लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक मूल्यों वाला विश्व क्या है लोकतांत्रिक मूल्य वाला विश्व और लोकतांत्रिक मूल्य वाला विश्व का मतलब होता है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का क्या मतलब होता है यानी यूएन और उसकी संस्थाएं बेहतर ढंग से काम करें और उन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में जो भी घटनाएं घटित होती वो संचालित हो ना कि एक देश देश विशेष या कुछ देश मिलकर के ग्लोबल ऑर्डर के बारे में निर्णय ले जैसा कि रशिया ने यूक्रेन के बारे में लिया जैसा कि पश्चिमी विश्व ने जापान वगैरह के साथ मिलते हुए आर्थिक प्रतिबंधों के माध्यम से रशिया के अगेंस्ट लिया ये दोनों ही घटनाएं नहीं होनी चाहिए और यह दोनों घटनाएं तभी नहीं होगी जब यह विश्व एक ज्यादा लोकतांत्रिक होगा याद रखे तब 2019 का प्रश्न याद रखिए कि भारत अब पिछड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि से आगे बढ़ते हुए यानी भारत को पिछड़े राष्ट्रों का ही केवल प्रतिनिधि नहीं माना जाता अब यह माना जाता है कि भारत ग्लोबल ऑर्डर में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है उसी बड़े रोल की बातचीत यहां पर हो रही है याद रखिएगा तो यह सेम पिछले वाला भारत के हितों पर विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव अब बैकग्राउंड क्या है जिस पर यह एडिटोरियल लिखा गया जैसे इस समय एक अभियान चल पड़ा रशिया को हर संगठन से निकालिए तो आपको पता है रशिया को निकाल दिया गया यानी यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उससे हटा दिया गया फिर उसके खिलाफ अनेकों प्रकार के निंदा प्रस्ताव पास किए गए अब यहां पर देखिए पश्चिमी देश रूस को जी ट्वेंटी से बाहर करना चाहता जी ट्वेंटी से बट चीन ने कहा कि तुम बिल्कुल बाहर नहीं करोगे चीन ने विरोध किया है और एक दिसंबर दो से जी की अध्यक्षता भारत के पास है याद रखिएगा क्या है यानी करेगा नहीं भारत के पास है यहां पर गलती से आ गया है यानी भारत के पास है ऐसे में दुनिया बहुत अव्यवस्थित है अब आप देख सकते हैं क्या है जी ट्वेंटी से बाहर निकालना चाहते अध्यक्ष भारत इसीलिए कहा गया है कि जी ट्वेंटी के मंच का इस्तेमाल भारत यानी क्या करे रशिया को पनिश करने के लिए ना करने दे एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात को आगे बढ़ाए जिसमें रशिया यूक्रेन पर अपने आक्रमण को रोके और पश्चिमी विश्व रशिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों को रोके यह पॉइंट ध्यान रखिएगा ठीक है ना दुनिया में असमानताएं बढ़ रही हैं अधिक से अधिक समाजवाद और कम पूंजीवाद की मांग बढ़ रही बड़ा महत्वपूर्ण इनइक्वलिटी यानी असमानता बढ़ रही है पूरे विश्व में पूंजीवाद की मांग कम है यानी पूंजीवादी विचारधारा की मांग कम है समाजवादी विचारधारा केंद्र में आ रही है यानी राज्य अपनी भूमिका व्यापक स्तर पर निभा रहा है ये इस समय का विश्व है पूंजीवाद आपको अच्छे से पता मैंने अच्छे से पढ़ाया है कोविड के टाइम पर कि जब भी बहुत बड़ी मंदी आती है तो उस समय क्या होता है पूंजीवाद थोड़ा हार जाता है उन्नीस सौ उनतीस वैश्विक महामंदी पूंजीवाद हार गया एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन हार गए ना क्योंकि एडम स्मिथ ऐसे अर्थशास्त्री जो लेजर फेयर आ हस्तक्षेप की नीति बात करते आ हस्तक्षेप की नीति की बात करते कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर आर्थिक संबंध देश के अंदर देश के बाहर स्थापित होनी चाहिए लेकिन उन्नीस सौ में यह पूंजीवादी एडम स्मिथ की व्यवस्था क्या हो गई खराब हो गई महामंदी और फिर यानी यूएसएसआर की जो समाजवादी व्यवस्था थी व्यवस्था थी उसके कुछ पहलू पूंजीवाद को अपने अंदर आत्मसात करने पड़े की मंदी से निपटने के लिए जिसे हम फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजबेल्ट का न्यू डील कहते हैं और फिर ये हम हम लोगों ने पढ़ा था कोविड के टाइम पे आपको याद हो ये ये सारी बातें कि जब जब मंदी आएगी तब तक जॉन मेनार्ड किन्स जिंदा हो जाएंगे क्योंकि वहां पर पूंजीवाद फेल हो जाता है जैसे कोविड की मंदी आई पूंजीवाद फेल हो गया कैसे फेल हो गया पूंजीवाद ने हाथ खड़े कर लिए यानी निजी जितने भी प्राइवेट कार्पोरेट हैं इन्वेस्टर्स हैं सबने हाथ खड़े कर लिए क्योंकि वो अधिकतम लाभ पे काम करते हैं जैसे ही अधिकतम लाभ उन्हें नहीं मिलेगा वो इन्वेस्टमेंट रोक देंगे तो सरकार को फिर केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ेगी ध्यान रखेगा इसीलिए निबंध भी पूछा था कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ क्या पूंजीवाद समावेशी विकास ला सकता है तो आप देख सकते हैं नहीं ला सकता है ये पूरे एग्जांपल से मैंने सेट कर दिया है मजा आया कि नहीं मजा आया याद रखेगा मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो गया आप यहां से देख सकते हैं ठीक है ना और वही है बताया जा रहा है कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका समर्थन हिंदुस्तान करे इसके लिए ब्रिटेन और यूएस भारत पर लगातार दबाव बना रहे तुम कौन होते हो भाई दबाव बनाने वाले ठीक है ना तो ये कहीं ना कहीं लेखक ने बड़ी आलोचना की है जो पश्चिम ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं ऐसे में जी ट्वेंटी का नेतृत्व भारत के पास है और भारत को कोशिश करनी चाहिए कि रशिया को जी ट्वेंटी से निलंबित ना किया जाए लेकिन रशिया को भी एक दो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा यही विषय यहां पर चर्चा में रहा याद रखें लैंग्वेज नो बार क्यों पढ़ने जा रहे हैं सोसाइटी जीएस वन सॉरी जीएस वन बच्चे कर लीजिएगा ये कभी कभार हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक जीएस वन क्या है ये सोसाइटी यानी समाज खंड क्या है जीएस वन यानी सोसाइटी यानी समाज खंड आप यहां पर ध्यान रखें और इसके साथ साथ हिंदी लिटरेचर जिनका भी ऑप्शनल है यानी हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल है वो भी यहां थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे आपके लिए भी मसाला आ रहा है एक क्वेश्चन एक पेपर है राजभाषा हिंदी और राष्ट्रभाषा हिंदी सिलेबस है ये क्या है हिंदी साहित्य का सिलेबस है राजभाषा हिंदी और उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी क्या है राष्ट्रभाषा हिंदी तो ये प्रश्न आपसे यानी हर साल फिक्स है आना ही आना तो आइए देखते हैं कि हिंदी जो राजकाज की भाषा है उसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वर्तमान सरकार क्या प्रयास कर रही है और उस पर दक्षिण भारत राज्य खासकर तमिलनाडु की क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जब वो महत्वपूर्ण है तो एक चीज यहां लिखा नहीं गया लेकिन हम लोग निकालेंगे ट्रायो लैंग्वेज फार्मूले पर इस देश में एक आंदोलन होना चाहिए त्रिभाषा फार्मूला यानी हिंदी इंग्लिश और उसके साथ साथ एक भाषा यानी तमिलनाडु की अगर भाषा है तो उसको यहां पर यानी हिंदी भाषी राज्यों में पढ़ाई जाए ऐसे में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और वैसे एक चीज और जिस तरीके से पैन इंडिया फिल्में बन रही हैं तो अब ये सिर्फ भाषा ही भी भाषा भी कहीं ना कहीं अपना एक दीवार तोड़ेगी ठीक है एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि हिंदी के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों को अंग्रेजी को लिंक यानी संपर्क भाषा के रूप में उपयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए लेखक करें बड़ा अच्छा पॉइंट है संपर्क भाषा हिंदी आपके सिलेबस में है और कई बार पूछा गया कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी यानी लिंक भाषा संपर्क का मतलब होता है कि जो क्या करें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूरे हिंदुस्तान में क्या करें जो पूरे हिंदुस्तान में संपर्क भाषा का, का काम करे तो यहां पर कहा गया एडिटोरियल राइटर की तरफ से तमिलनाडु के सुर में सुर मिलाते हुए एडिटोरियल राइटर इस बात को कह रहे हैं कि लिंक यानी संपर्क भाषा का काम अंग्रेजी को करना चाहिए बाकी जितनी भाषाएं वो सब राजभाषा हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिस के कार्यकलाप उन सभी भाषाओं में होना चाहिए चाहे हिंदी हो चाहे तमिलनाडु और सॉरी चाहे तमिल हो चाहे जो भाषा आई होप आप मुद्दे को समझ गए हैं बहुत अच्छे से तो संपर्क भाषा अब देखिए जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल वाले उनको एक पॉइंट मिला कि संपर्क भाषा जो है जो जो हिंदी संपर्क भाषा मानी जाती है यानी लगभग हिंदुस्तान के 80 परसेंट लोग किसी न किसी प्रकार से हिंदी जानते हैं बोलते हैं इतनी बड़ी भाषा लेकिन अंग्रेजी की मांग हो रही है लिंक भाषा के रूप आप सोचिए अंग्रेजी क्या लिंक भाषा का, का काम कर पाएंगे आप विचार करिए दक्षिण भारत की यह मांग कहां तक जाये? जब बिल्कुल गलत मांग है इस टाइप का तर्क जो एडिटोरियल राइटर भी इसी बात को लिख रहे हैं स्टेट स्पीकिंग लैंग्वेज अदर देन हिंदी शुड बी फ्री टू यूज इंग्लिश एज द लिंक लैंग्वेज यानी जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है वहां पर इंग्लिश को हम एक लिंक भाषा के रूप में इस्तेमाल करें तो फिर एक राष्ट्र एक भाषा कहां से आएगी तो अब हिंदी लिटरेचर वालों को तो लिखना ही पड़ेगा भाई इस बार थोड़ा सा अपने हक में आपको लिखना पड़ेगा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल तो आप ध्यान रखिएगा प्रश्न पत्र एक भाषा खंड क्या है प्रश्न पत्र एक भाषा खंड ध्यान रखिएगा यहां पर आपका सिलेबस व्हाट इज द न्यूज यानी गुरुवार को यानी पिछले सप्ताह पिछले सप्ताह इसलिए गुरुवार लिखा हुआ है संसदीय राजभाषा समिति की तैंतीसवीं बैठक हो रही थी उसमें गृह मंत्री महोदय ने भाग लिया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और इससे हिंदी का महत्व तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा यानी देख लीजिएगा यानी सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा यानी गवर्नमेंट जो चल रही है वह हिंदी में चल रही है यानी उसके सारे राजकाज जो हिंदी में हो रहे हैं यह स्टेटमेंट प्लीज याद रख लीजिएगा इसको फिर आता है उन्होंने कहा कि अन्य भाषा वाले राज्य यानी जो जा, जो हिंदी नहीं बोलते हैं राज्यों के नागरिक जब आपस में संवाद करें तो वह भारत की भाषा में हो यानी इनका साफ है कि जो आहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो भी यानी जो किस में बातचीत करें वो भारत की भाषा हो अंग्रेजी ना हो भारत की भाषा हो वो कोई भी हो चाहे तमिल हो तेलुगु हो उससे मतलब नहीं हो हिंदी हो वाट पंजाबी हो शाह ने कहा कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं के नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए अब देखिए यानी हिंदी का इस्तेमाल अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होना चाहिए ये ये कह रहे हैं उन्होंने कहा कि जब तक हम अन्य स्थानीय भाषाओं से शब्दों को स्वीकार कर हिंदी को नचीला नहीं बनाएंगे तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता गजब का सुझाव है तो जो हिंदी ऑप्शनल के एस्पिरेंट हैं वो ध्यान रखेंगे आपसे पूछेगा कि हिंदी को कैसे हम राष्ट्रभाषा के रूप में डेवलप करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में डेवलप करने के लिए इन्होंने जो सुझाव दिया है वो आप रट लीजिएगा कि अन्य जो भाषाएं हैं तेलुगु तमिल इनके शब्दों को भी हिंदी में डालना पड़ेगा ये तो बहुत अच्छा है अगर डाला जाए तो कम से कम साउथ इंडिया की जो पिक्चरें होती हैं उन वो समझ में आएंगी तो कहीं ना कहीं अच्छा ही है साल दो में हिंदी दिवस पर दिए गए पहले भाषण में उन्होंने कहा था भारत अलग अलग भाषाओं का देश है हर भाषा की अपनी अहमियत है लेकिन यह बेहद जरूरी है कि पूरे देश में एक भाषा हो जो राष्ट्र की पहचान बने अगर कोई भाषा देश को एक सूत्र में बांध सकती तो वह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी भाषा ये सारे स्टेटमेंट आपको रट लेने हैं ध्यान रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने इसको भूलना नहीं है दिमाग में रख लीजिएगा ठीक है ना अमित शाह शॉकिंग स्टेटमेंट ऑन हिंदी बिल स्प्लिट नॉट यूनाइट इंडिया तमिल तमिलनाडु के नेताओं ने कह दिया है कि अमित शाह का यह जो भाषण है वह भारत में एक विभाजन पैदा करेगा भारत को जोड़ेगा नहीं यानी साफ इनका कहना है याद रखेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखें के लिए जो राजभाषाएं हैं उनका इस्तेमाल हो हिंदी भी है और अन्य है बट लिंक भाषा के रूप में इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन है जिन बच्चों का हिंदी साहित्य ऑप्शनल है उनसे भी ये क्वेश्चन है व्हाट इज योर ओपिनियन यानी जिनका भी हिंदी साहित्य से इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं वो सारे बच्चे इस क्वेश्चन पर थोड़ा काम करके जाएंगे क्या क्वेश्चन है इस बार के जितने भी बच्चे हिंदी साहित्य से अपना यानी मेन्स उन्होंने क्लियर किया है उनके लिए यह प्रश्न है इंटरव्यू व्हाट इज योर ओपिनियन यानी आप आपकी क्या राय है क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विविध देश में एक राष्ट्र एक भाषा क्या है वन नेशन वन लैंग्वेज की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए क्या आपको लगता है कि भारत जैसे विविध देश में ठीक है एक राष्ट्र एक भाषा की संकल्पना को लाया जाना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा हिंदी लिटरेचर के बच्चे जो भी हैं क्योंकि ये चर्चा में है खूब चर्चा में अखबारों में एकदम दवा के समय आ रहा है कोई भी अखबार आप उठाएंगे तो वहां पर इसलिए आपको इस प्रश्न को तैयार करना चाहिए क्या पता पूछ ले अब मैंने बताया है तो इस पर आप एक बार विचार कर लीजिएगा ठीक है ना आप एकदम सपोर्ट करिएगा लेकिन बोर्ड देख करके बड़ा मुश्किल है बोर्ड देख करके साउथ इंडियन बोर्ड हो तो चुपचाप कहना है कि नहीं सर हमें भारत की विविधता का सम्मान करना चाहिए हाँ सर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक जो है एक ऐसी भाषा संपर्क भाषा के रूप में काम करे जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती हो बस इतना बोल करके चुप हो जाना अगर साउथ इंडियन बोर्ड हुआ तो ने पता चले खड़े हो गए बिल्कुल हिंदी होनी चाहिए सर और उसके पीछे मेरा यह तर्क है गड़बड़ हो जाएगा और अगर नॉर्थ इंडिया का बोर्ड हो सीधा एकदम सर बिल्कुल हिंदी संपर्क भाषा अस्सी प्रतिशत आंकड़ों के अनुसार पूरे देश के अस्सी प्रतिशत लोग हिंदी को किसी न किसी रूप में जानते हैं पहचानते हैं ऐसे में यह एक संपर्क भाषा के रूप में सबसे बेहतर ढंग से काम कर सकती है आवश्यकता इस बात के लिए काम करने की और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह जी के इस स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट के साथ पूर्तिया खड़े हैं क्या है हम इस स्टेटमेंट के साथ अरे यार कौन है क्या है हम इस स्टेटमेंट के साथ, साथ पूर्तिया खड़े हैं आप ऐसा बोल सकते हैं फिर आ जाएगा मजा आया सीरियस डिसइनफॉर्मेशन प्रॉब्लम बट इट कैन बी सोशल मीडिया में गंभीर दुष्प्रचार गंभीर यानी मिस इन्फॉर्मेशन गलत गलत सूचनाएं पहुंचाना क्या है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत गलत सूचनाएं पहुंचाना मेरे प्यारे बच्चे क्या है ध्यान रखिएगा तो आइए देखते हैं ये देखिए ये हम लोग कभी कभी ना अपडेट नहीं होता नेटवर्क वगैरह के इशू के कारण से क्योंकि बच्चे जहां भी काम कर रहे हैं अपने अपने घरों से करते हैं वो ये सब टाइपिंग वाइपिंग का तो कभी कभी अपडेट नहीं होता लेकिन चलिए ठीक है ना आते हैं द फ्री फ्लो ऑफ डिस इंफॉर्मेशन यानी गलत सूचना हेट एंड टारगेटेड ठीक है तो सिंपल सी है कि यानी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है ये आपको देखना है जीएस थ्री आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका आप देखिए इंटरनल सिक्योरिटी सोशल नेटवर्किंग साइट 2017 पहले एक प्रश्न देख लेते हैं 2016 में आए इस यूनिट से गैर राज्य अभिकर्ताओं नॉन स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो ढेर सारे यूट्यूब चैनल बना करके अभी आपने देखा होगा यानी ये जो न्यूज है पहले मैं बताता तो ये न्यूज किस चीज पे लिखी गई पॉलिटिक्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचनाओं की राजनीति तो अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था कि भारत सरकार ने कई यूट्यूब चैनल को बंद किया उसके पहले कुछ और यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया था क्यों बंद किया गया क्योंकि वो हिंदुस्तान में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे ऐसी बहुत सी घटनाएं आपको याद होगी उनको बस दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल आपको एग्जाम में डालने पड़ते हैं तो पॉलिटिक्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों जरा समझे तो सिलेबस है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा ही ये गलत सूचनाएं भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती है यानी चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे आपका यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो इन सब के माध्यम से फेक न्यूज फैलाई जाती है ध्यान रखिएगा क्लियर है और यूपीएससी में सिलेबस नॉन स्टेट एक्टर्स यानी गैर राज्य का मतलब राज्य नहीं किसी देश में रहने वाले चाहे देश के अंदर या देश के अंदर ऐसे एलिमेंट जो अप देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बट वो अपने संसाधन से चल रहे हैं राज्य के संसाधन से नहीं जैसे कोई किसी ने यूट्यूब चैनल बना लिया तो गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का गतिविधियों हेतु तो प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बृहद चिंता का विषय देखिए यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टर्सिव एक्टिविटीज इज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है इसीलिए भारत ने अभी क्या किया चाइना के भी ना जाने कितने ऐप कोविड के टाइम पर बंद किए तो आप देख सकते हैं हाल ही में इसका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ हाउ हैज हाउ हैव दिस बीन मिसयूज्ड इन द रिसेंट पास्ट आपको एग्जांपल याद आ गया होगा यानी जैसे जब प्रवासी भारतीयों को प्ले करके ना जाने कितनी अफवाह कि यहां से बस जाने वाली है आपके घर तक जाएगी पता चला कि आनंद बिहार बस अड्डे पर सारा भीड़ माइग्रेंट का पहुंच गया और वहां पता चला कोई बस ही नहीं है फिर धक्का फिर उसके बाद हिंसा एक तरफ कोविड ऊपर से ये सारी तो आप देख सकते हैं कैसे सोशल मीडिया से ही तो फैली थी याद रखे सजेस्ट इफेक्टिव गाइडलाइन टू कर्ब थ्रेट यानी सुझाव दीजिए कि ऐसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके तो इसी पॉइंट ऑफ आप व्यू से आपको इस टॉपिक को देखने की आवश्यकता है 2017 में निबंध पूछा था सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थ प्राण माध्यम है सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम यानी ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का आपका तरीका है आप देख सकते हैं 2016 में भी आया था साइबर और स्पेस और इंटरनेट दीर्घ अवधि में मानव सभ्यता के लिए वरदान है या अभिशाप है तो वरदान भी है अभिशाप भी है दोनों पार्ट पर आपको आंसर लिखना है तो अभिशाप वाला आज हम पढ़ रहे हैं कई एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म इन सब की पिक्चर है आप इस पिक्चर को खींच सकते हैं देख सकते हैं याद रखे यानी ये क्या है बड़ी अच्छी पंक्तियां आ रही मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपके पास टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए अब सोशल मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अगर आपके पास शब्द अच्छा नहीं तो आप 1000 वर्ड तक पहुंचेंगे कैसे दिक्कत हो जाएगी आपको 1000 शब्द में निबंध लिखने मिनिमम 1200 मैक्सिमम तो देखिए क्या कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में कह रहा है कि भारत में पारंपरिक सूचना नेटवर्क है अरे जरा गजब कह रहा भैया ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क बन चुके हैं यानी अब सारी सूचनाएं यहीं से मिलती हैं फेसबुक से ट्विटर से यूट्यूब से सारी सूचनाएं कू से सारी सूचनाएं यहां से मिलती इसलिए कहा गया भारत में पारंपरिक सूचना नेटवर्क है इनको आप इनकार नहीं कर सकते ऑनलाइन सामग्री पारंपरिक मीडिया और राजनीतिक नेटवर्क के बीच सभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब लोगों तक पहुंच रहा है याद रखिएगा ठीक है ना अब इसके बाद चिंता क्या है यानी बिना किसी समीक्षा के सूचनाओं का भंडार बिना किसी सूचना के फ्री फ्लो ऑफ डिस वाल्ट ओशन ऑफ अनरिव्यूड कंटेंट यानी कि ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसकी कोई समीक्षा नहीं है और वो भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं अगर हम यहां पर देखें तो अपनी यूपीएससी में भी यूपीएससी में भी आप देखिए थंबनेल या स्टेट पीसीएस कहीं पर भी थंबनेल कैसे बनते हैं ये पढ़ा तो आग लग जाएगी थंबनेल कैसे बनते हैं हम लोगों के नहीं अन एकेडमी का थंबनेल एक एक स्टैंडर्ड होता है आप देखिए इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं इतने खतरनाक थंबनेल बनते हैं अब की बार पढ़ा यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो हमने पढ़ाया वहीं से सब आया बाद में एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट दिख नहीं रहा केवल हेड और टेल जोड़ करके हम साबित कर दे रहे हैं कि जो हम पढ़ाते हैं सब वहीं से आता समझ गए कि नहीं समझ रहे यानी फ्री फ्लो अप डिस गलत सूचनाएं आ रही कोई उसका सुपरविजन नहीं कर रहा यह हर जगह है ये पहली समस्या इसको लिखिएगा हेट एंड टारगेटेड इंटीमिडेशन नफरत और लक्षित धमकी यानी कि टारगेटेड ग्रुप्स टारगेट बना लिए जाते हैं कि यूपी में किस प्रकार की मिस इंफॉर्मेशन फैलानी है यूपी में कम्युनल राइट कराने के लिए किस प्रकार की कर्नाटका में किस प्रकार की साउथ में लैंग्वेज को लेकर के किस प्रकार के अब ये साउथ में जो लैंग्वेज का मुद्दा उठा ना अमित शाह जी के स्टेटमेंट के बाद अब वहां गलत मिस इन पहुंचना स्टार्ट हो गए कि भारत सरकार अब जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी को ही बनाएगी सबको हिंदी पढ़नी पड़ेगी हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा इस प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन चालू होगा क्योंकि उसका इंडिया में भी सोशल मीडिया को रिव्यू करने कोई सिस्टम नहीं तो क्या आपको मेरी तरफ से फिर प्रश्न है कि क्या सोशल मीडिया को रिव्यू करने का कोई एक सिस्टम संपूर्ण देश की सरकारों को पूरे विश्व में बनाना चाहिए फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध और इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों और यह एक प्रकार से एजेंडा होता है ये कॉमर्शियल एजेंडा भी होता है पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है याद रखिएगा भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है और इसलिए यह भारत के भविष्य के लिए बहुत बुरा है आप देख सकते हैं ये वही था कोविड के टाइम पर दिल्ली में लॉकडाउन लगा था और उसके बाद किसी ने सोशल मीडिया पर जो है मिस इंफॉर्मेशन फैला दिया कि भाई आप जाओ और जो है आपको अपने अपने एरिया तक पहुंचाने के लिए बस अड्डे पर बस मिलेंगी बट वहां स्थिति क्या हुई आप देख सकते हैं ये इसके अलावा फेसबुक ने स्वयं फेक न्यूज के लिए यानी मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है स्वीकार किया है कि उनको यानी कहीं ना कहीं उनको क्या करना है फेसबुक को फेक न्यूज पर ठीक है ना और इलेक्शन के जो कमेंट्स आते हैं उन पर ज्यादा गंभीरता से काम करने की जरूरत थी गलत सूचनाएं इनके प्लेटफॉर्म से फैला दी गई इंडिया देखिए फेसबुक स्ट्रगल इन इट्स बैटल अगेंस्ट फेक न्यूज देख सकते हैं यानी फेक न्यूज पर यानी फेसबुक स्वयं दुखी है बट कुछ कर नहीं पा रहा तो इसीलिए कहा गया सोशल मीडिया पर तत्काल रेगुलेशन की आवश्यकता है इसलिए अब एक गवर्नमेंट रेगुलेशन आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी सोशल मीडिया सोशल मीडिया बिल 2022. अकॉर्डिंग टू मी 22 में एक बिल आ जाना चाहिए सोशल मीडिया बिल हम पढ़ें राज्यसभा में पास लोकसभा में पास उसके बाद सोशल मीडिया एक्ट बन जाए और उसमें एक प्रावधान बनाया जाए तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार से समय की मांग है कि हम क्या करें यानी इस प्रकार की चीजों को दूर करें जिससे अच्छी सूचनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो तो इंटरनल सिक्योरिटी उसका समाधान सारा पॉइंट आपके सामने आ गया मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है बड़ा टॉपिक है आईपीआर आईपीआर रिक्वायर्स अ भारत की यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है यानी बौद्धिक संपदा अधिकार जो हिंदुस्तान आज बौद्धिक संपदा अधिकार में जहां खड़ा है बहुत अच्छा टॉपिक बच्चे बौद्धिक संपदा अधिकार में आज जहां पर भारत खड़ा है एक बहुत बड़े बदलाव लाने की आवश्यकता है जीएस थ्री श्यू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके सामने यानी इस पार्ट से है ये और ऐसे में कहा गया है कि भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर बेहतर अब ये ये वाला पार्ट सुझाव पहले सुझाव ही पढ़ लीजिए क्या कह रहा भारत को समझिएगा भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए तो भैया उसका उत्तर है यही है भारत को एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या विधाई ढांचा यानी भारत को एक कानून बनाने की जरूरत है किसके संदर्भ में आईपीआर पी के संदर्भ में जिससे इनोवेशन और आईपीआर में एक गहरा संबंध बन सके किस में नाम गहरा संबंध बन सके क्यों क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार जिसने भी यानी बौद्धिक संपदा पर बेहतर काम किया है अगर उसके अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है तो नवाचार की इच्छा खत्म होती और नवाचार की इच्छा खत्म होने का मतलब है नवाचार आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है इनोवेशन क्या है इनोवेशन क्या है समझ गया तो ऑबियस इनोवेशन किसी भी कंट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए अब आइए देखते हैं यह एडिटोरियल क्यों लिखा गया जीएस थ्री देख सकते हैं क्या है कहा गया भाई इश्यू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता 2014 में देख सकते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व तो पर प्रश्न पूछा गया है बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर यानी वैश्विक संसार में ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व तो हो जाता है और वो एक मुकदमेबाजी का स्रोत हो जाते हैं कॉपीराइट पेटेंट और व्यापार गुप्त यानी ट्रेड सीक्रेट के बीच में अंतर बताइए तो आप देख सकते हैं इस मतलब प्रश्न आता है मेरा ये कहने का मतलब है इसीलिए एक मॉडल क्वेश्चन भी आपके सामने लगा दिया गया है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट right? यानी बौद्धिक संपदा अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है वेयर डस इंडिया स्टैंड इन आईपीआर रिजीम आईपीआर व्यवस्था में आज भारत की स्थिति क्या है कहां खड़ा है व्हाट आर द मेक ओवर नीडेड इन इंडिया भारत के आईपीआर शासन में क्या आवश्यक बदलाव जरूरी है यानी क्या हमें बदलाव करना है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये मॉडल क्वेश्चन हो गया ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट आ जाएगा आ जाएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको इस पर काम करने की आवश्यकता है इंडिया रिपोर्ट गेट्स एप्रिशिएशन ओवरसीज अब देखिएगा यानी ये न्यूज है जिस न्यूज पर ये टॉपिक लिखा गया है वो न्यूज क्या है भारत की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वन रिपोर्ट क्या है भारत की एक रिपोर्ट और किसकी है ये वाणिज्य यानी कॉमर्स पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एक रिपोर्ट यह रिपोर्ट आई है किस पर IPR के संदर्भ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संदर्भ में और इसकी प्रशंसा हुई है अमेरिका में यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स में याद रखिएगा इसकी प्रशंसा हुई है इस रिपोर्ट की जो बौद्धिक अधिकारों पर आई है वाणिज्य मंत्रालय की उस पर चर्चा हुई है कहां पर अमेरिका में अमेरिका का जो फिक्की है जैसे हमारा फिक्की है सोचे में उसे अमेरिका का जो फिक्की है याद रखिएगा यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के दसवें संस्करण में चर्चा में भारत के इस समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई अब ये रिपोर्ट बच्चों 161 पेज की रिपोर्ट कितने पेज की है 161 के आसपास पेज की हां 161 लगभग 160 70, 80, 90 पेज है मैंने अभी डाउनलोड किया है अब आप सोचिए इतनी बड़ी रिपोर्ट को आप कैसे चार पांच पैराग्राफ में सॉरी चार से पांच स्लाइड में समेटा जाए तो कोशिश हुई है कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि भाई आईपीआर क्या है नंबर वन हम देखेंगे आईपीआर कितने प्रकार के होते हैं नंबर टू ये देखेंगे ठीक है उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत में आईपीआर के संदर्भ में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और उसके बाद फिर समाधान क्या होगा जो इस रिपोर्ट में बताया गया है पांच सात जो चुनौतियां बताई गई हैं उसी को उलट देंगे तो समाधान हो जाएगा तो इस रिपोर्ट में कुछ चुनौतियां बताएंगे लगभग आठ उनको हम पढ़ेंगे तो वही समाधान भी हो जाए तो कोशिश हुई क्योंकि मैंने पहले बताया एडिटोरियल में तो बहुत कम था बहुत शानदार था भी नहीं सौ इकसठ या 90 पेज की है फाइल अभी मेरे पास है आज ही मैंने डाउनलोड की है तो स्वाभाविक है ठीक है इसमें आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा ध्यान ठीक है तो आप देख सकते और ये कहा है यूएस ने कि जो इस रिपोर्ट में जो बौद्धिक संपदा अधिकार सुधारों को भारत ने आगे बढ़ाया भारत ने कहा है कि हम कौन कौन से बौद्धिक संपदा सुधार करेंगे इस रिपोर्ट में तो यूएस ने कहा अगर भारत ऐसा करता है तो वह कहीं ना कहीं बौद्धिक संपदा अधिकारों में मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा इसलिए आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझना इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आपको समझने की आवश्यकता है बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं बौद्धिक संपदा यानी हमने कोई चीज बनाई तो उसका अच्छी बात है जिससे कि हम अगली बार फिर से इंस्पायर हो सके तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी व्यक्तियों को उनके आविष्कारों साहित्यिक और कलात्मक कार्यों और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों नामों और छवियों के लिए दिए गए अधिकार हैं आप रट लीजिएगा ये आमतौर पर जो निर्माता होता है उसको एक निश्चित अवधि के लिए उसने जो भी बनाया है उसके उपयोग पर एक विशेष प्रकार का अधिकार देते हैं एग्जाम्पल के लिए यहां बताया गया पेटेंट बौद्धिक संपदा के संरक्षण का एक रूप है आई होप आप यानी आई आईपीआर और पेटेंट को अच्छे से समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बाद आता है सिक्स टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिससे ये जो आपको कंटेंट दिया जा गया ये वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पी ओ यानी बीपो की वेबसाइट का टॉपिक है इसलिए मस्त आप पढ़िएगा यानी सबसे पहले होता है कॉपीराइट यानी हमने कोई चीज मान लीजिए मैंने कोई पुस्तक लिखी उस पर हमें कॉपीराइट मिल गया कि भाई अब इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि अब मुझे अच्छा लगा कि मैं मैंने जो भी सृजन किया उस पर मेरा अधिकार है यह मेरी बुद्धि से निकला है मेरी बौद्धिक संपदा है इसलिए इस पर हमारा अधिकार है कोई भी इसका यानी व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं कर सकता जो करेगा उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए जाएंगे थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो व्यवस्था दी गई है याद रखिएगा इसके अलावा पेटेंट अभी आपको बता ही दिया गया बताने की आवश्यकता नहीं कोई भी आविष्कार अगर आप करते हैं तो आपको एक समय के लिए उस पर पेटेंट मिल जाता है इसके बाद देखिए ट्रेड मार्क क्या होता है एक साइन होता है ठीक है ना अब आप देखिए एक साइन होता है जो अंतर करता है जो अंतर करता है एक कंपनी के उत्पाद को दूसरे कंपनी के उत्पाद से तो मान लीजिए एक कंपनी मसाला बनाती है दूसरी भी कंपनी मसाला बनाती है लेकिन उन लोगों ने यानी एक कंपनी ने क्या किया कि अपने इनग्रीडियंट्स रिसर्च करा करके चेंज कर दिए तो ऑब्वियस है अब उस इनग्रीडियंट पर उसका राइट हो जाएगा ये आपको सिंपल ढंग से यहां पर समझने की आवश्यकता है इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाया इस प्रकार से कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाया तो इसका भी क्या हो जाएगा यानी आपके पास अधिकार हो जाएगा कि इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता यह देखिए इंडस्ट्रियल डि 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 डिजाइन आई होप आप समझ गए फिर इसके बाद क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी इसको आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा ओरिजिन यानी किसी चीज की उत्पत्ति मान लीजिए इटली से हुई है तो अब अगर मान लीजिए कोई चीज इटली से उत्पन्न हुई है और इटली ने प्रूव कर दिया कि यह गुड हमारे यहां की है तो स्वाभाविक है अब उसे यानी इटली को उस पर क्या मिल जाएगा यानी आईपीआर मिल जाएगा याद रखिएगा ठीक है ना इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं याद रखिएगा क्या होते हैं ये बच्चों कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं जिन्हें बेचा जा सकता है या उसका लाइसेंस भी प्राप्त किया जा सकता है यानी याद रखिएगा कॉन्फिडेंशियल होते हैं ट्रेड सीक्रेट मान लीजिए कि मैंने कोई इनोवेशन किया ट्रेड में व्यापार के क्षेत्र में मैंने कोई इनोवेशन किया कि चलो भाई इनोवेशन का मतलब मैंने कोई एक ऐसा ऐप बना दिया जिसके द्वारा वर्ल्ड का ट्रेड या किसी कंपनी का ट्रेड इजी हो सकता आसान हो सकता और वैसा ऐप आज तक कभी आया नहीं तो ऑब्वियस है उसे बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो अब मेरे पास रहेगी ठीक है उसे कोई लीक नहीं कर सकता है यह हो गया आपका ट्रेड सीक्रेट याद रखिएगा इसके लिए भी आपको लाइसेंस मिलता है जिस व्यक्ति के पास है वो उसे बेच भी सकता है तो आप देख सकते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा मजा आ जाएगा आपका आईपीआर आज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अब आता है पेटेंट यानी पेटेंट का महत्व क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों यानी अगर हम देखें तो जो गूगल है जि, जिससे अब अल्फाबेट कहते हैं अमेजान एप्पल मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपने पेटेंट को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानती हैं ऑब्वियसली पेटेंट का मतलब हो गया कि हमारा अब इसका पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे हम कमाएंगे हम सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे याद रखिएगा तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है क्यों क्योंकि इससे ये कंपनियां बहुत ज्यादा इनोवेशन कर पाती हैं और इनोवेशन के बगैर आप चल नहीं सकते अब आता है कि भारत की आईपीआर व्यवस्था में भारत की आईपीआर व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियां हैं आप देखिए यानी सबसे बड़ी चुनौती भारत में पेटेंटों की संख्या बहुत कम है अब देखिए कितना बढ़िया कंटेंट है बच्चे समझ में आ रहा है ना बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है उसके कितने टाइप हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया कहां पर खड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं हमारे यहां होता ही नहीं है पहले भी मैंने ये टॉपिक एक बार कराया है भारत में पेटेंट की संख्या कम है क्यों है क्योंकि भैया हम आर पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा ही नहीं खर्चा करते हैं। अपनी जी का हम जीरो तक खर्चा करते हैं ठीक है और यह चीन और अमेरिका और अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है तो पहली आपसे कोई पूछेगा भारत की बौद्धिक संपदा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती क्या है तो आप आसानी के साथ ये पॉइंट बता देंगे बता देंगे बच्चे दूसरी जो हाँ, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दो हजार पिछले पांच वर्षो में भारत में पेटेंट की घरेलू फाइलिंग में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई अब आप देखिए क्या है तीस प्रतिशत और आप देखिए जबकि पेटेंटों की संख्या लगभग तीन गुना हो गई दो हजार में कुल इतने पेटेंट दायर किए गए कि हमको पेटेंट चाहिए लेकिन मिला कितने लोगों को केवल इतने लोगों तो ये इंडिया में चिंता है दूसरा क्या है भारत की की बहुत एक होता है, patents, यानी सदाबहार अनुमति सदाबहार अनुमति का मतलब होता है भारत के कानूनों में एवर ग्रीनिंग का मतलब होता है कि यार क्या है कि जब हमारा पेटेंट का टाइम समाप्त होने वाला हो तो फिर बढ़ा दो फिर से बढ़ा दो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए ये भारत में नहीं है लेकिन विश्व जो है पश्चिमी विश्व में है तो क्या है ड नॉट अलाउ एवर पेटेंट यानी सता तो बाहर पेटेंट की अनुमति नहीं देता सदाबहार पेटेंट क्या होता बच्चे यानी कि पेटेंट की अवधि को बढ़ाने की रणनीति है जो रॉयल्टी को बनाए रखने के लिए इसकी प्रभावकारिता में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना समाप्त होने वाली याद रखेगा यानी सिंपल है कि आपको मैंने पेटेंट दिया है अब उसको हम बढ़ा दे रहे हैं बिना किसी रॉयल्टी और इन सब का कोई खर्च कराए हुए आप यहां से देख सकते हैं ठीक है ना यानी कंपनियां केवल थोड़ा बहुत चेंज करके यह काम नहीं कर सकती हैं ऐसे में यह भारत में क्या करता है नवाचार को हतोत्साहित करता है जैसे फार्मा कंपनियां फार्मा कंपनियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है क्योंकि उनको एवरग्रीनिंग पेटेंट नहीं मिलता उनको पेटेंट दोबारा फिर लेना पड़ता है कहीं ना कहीं उनके लिए एक महंगे घाटे का सौदा हो जाता है इसके अलावा भारत में कंपलसरी लाइसेंसिंग अब आप देख सकते यानी कंपलसरी लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार द्वारा पेटेंट की पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना पेटेंट किया गया आविष्कार का उपयोग निर्माण आयात आ, आयात या बिक्री करने के लिए संस्थाओं को अनुमति देना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी लाइसेंस यानी ये सरकार के पास राइट है कि भैया तुम्हारे आविष्कार को कह देगी कि अब ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो अब चलो इंडिया वाले बेचारे कुछ नहीं करें लेकिन फॉरेन वाले इससे बड़े दुखी होते हैं याद रखिएगा वो यहां आईपीआर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे याद रखिएगा तो आप यहां से देख सकते और डब्ल्यू के ट्रिप्स समझौते के तहत सीएल की अनुमति केवल राष्ट्रीय आपात स्थिति में है तो ये तीन समस्याएं हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग और ये सारी बातें अब इसके बाद आते हैं भारत की आईपीआर व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता के आठ कारण अब हम रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं एक सौ इकसठवी रिपोर्ट यह बताएगा क्या क्या यानी आठ पॉइंट बता रहा है कि वह कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण से भारत की आईपीआर व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए तो आप देख सकते हैं क्या क्या यानी पहला है कि अगर हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमें इस पर काम करना होगा इसके साथ साथ क्या करना है यानी भारत सरकार को अगर विकास करना है स्थिरता का समर्थन करना है तो भी यानी पेटेंट नियमों में सुधार करने की आवश्यकता है फिर इसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क के आवेदन को प्रोसेस करने में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है याद रखिएगा इसके अलावा आईपीआर मुद्दों को संभालने के लिए जांच एजेंसियों और जनशक्ति यानी कर्मचारियों की नियुक्ति बड़े स्तर पर करनी होगी इसके अलावा किसी भी प्रकार के जालसाजी या भ्रष्टाचार के लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा इसके अलावा हमें याद रखिए अगर हम अच्छी नीति बनाते हैं तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और एफ यानी विदेशी मुद्रा भी आएगी इसलिए हमें रिफॉर्म करना चाहिए अब स्वाभाविक है अगर हम रिफॉर्म करते हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आर अच्छा खासा होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा याद रखिएगा ये सारी बातें इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई अंत में कि विभिन्न संगठनों के साथ भारत क्या करे आईपीआर के मुद्दों को शेयर करे अंतरराष्ट्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय देश तो ये सारी बातें थी आई होप आप समझ गए होंगे 11 अप्रैल 2022 सहबाज शहबाज नॉमिनेटेड फॉर पीएम पोस्ट आप देख सकते हैं अगला टॉपिक है द रिस्क दे टेक अ डिलीवरी योर ग्रोसरीज इन मिनट यानी ये जोमैटो का मुद्दा जोमैटो का मुद्दा है आपके एथिक्स में या केस स्टडी भी है और एक क्वेश्चन है कि जोमैटो के ऊपर जो आपको एग्जाम में देना है कि नैतिकता यानी एथिक्स मानव जीवन में किस बात को प्रोन्नत करने की चेष्टा करती है। और फिर लिखा था व्यावसायिक सक्षमता के साथ व्यावसायिक नैतिक होना क्यों महत्वपूर्ण प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ एथिकल होना क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर जोमेटो का एग्जाम्पल आप लाएंगे कि जोमैटो ने एक स्कीम शुरू की है कि 10 मिनट के अंदर कोई भी कंज्यूमर ऑर्डर करेगा ग्रोजरी का सामान उस तक पहुंच जाएगा ऐसे में अब ये जो यानी उनके सप्लायर्स होते हैं इनके ऊपर क्या क्या यानी जो एजेंट होते हैं उनके ऊपर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं याद रखिएगा यानी उनको रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है यानी दुर्घटना हो सकती चूंकि तेजी के साथ पहुंचना है तो क्या इस प्रकार की चीजें एक दूसरा क्या है कि समान पहुंचाने का उनके ऊपर प्रेशर है जो एक्सीडेंट की संभाव्यता को और बढ़ा देता है तीसरा यानी जॉब खोने का डर है कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचा पाया महीने में दस बार तो हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए तो इस प्रकार की चीजें हैं जो जोमैटो के ऊपर कहीं ना कहीं एथिकली आप एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा कि यह व्यावसायिक सक्षमता तो है कि 10 मिनट में आप पहुंचा देंगे बट ये एथिक्स यानी यह एथिकल कंसर्न नहीं है इसलिए यह गलत है आप याद रखेगा क्लियर है और सिलेबस यूनिट छ लगा लीजिएगा यानी सरकारी संस्थानों में और निजी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधा यूनिट सिक्स निजी संस्थानों में नैतिक चिंता एवं दुविधा यहां पर आप काम कर लीजिएगा ओडिशा में बस केवल इसलिए लगा दे रहा हूं कि यहां लियो जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है यानी इनको मारा जा रहा है तो बस पीटी के लिए मैंने कहा मे भी आपसे पूछ ले तो आज के अखबारों में मतलब ओडिशा में किस जानवर की मृत्यु की चर्चा बहुत ज्यादा रहती है अब देखिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी यह एक नेटवर्क है वैश्विक नेटवर्क है जिसमें सिल्क शहरों की घोषणा होती है याद रखिएगा। अब इसके बाद कहा गया इसमें बेंगलुरु आ गया पहला भारतीय शहर हुआ है बेंगलुरु जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज की दौड़ में शामिल हो गया कहां शामिल हो गया ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज की दौड़ में शामिल हो गया है और जल्द ही यानी मुर्शिदाबाद बेस्ट बंगाल का भी इसमें शामिल हो सकता है तो बस याद रखिएगा बेंगलुरु याद रखिएगा अगला है बी एस ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं कोई मतलब नहीं है फिर इसके बाद आते हैं यूक्रेन क्राइसिस टू हेडलाइन इंडिया यूएस टू प्लस टू मीट अब देखिए इंपॉर्टेंट हो गया यानी भारत और अमेरिका के मध्य टू प्लस टू डायलॉग यानी संवाद हो रहा है चौथा संवाद है वाशिंगटन में हो रहा है रक्षा और विदेश मंत्री के नेतृत्व में दोनों देशों के वहां पर कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए गए वो एक बार हम लोग जान लेते हैं यानी यूक्रेन क्राइसिस जो है वह हेडलाइन है यानी वहां पर तो मेन मुद्दा यही है ठीक है ना हेडलाइन है टू प्लस टू मीट का फिर इसके अलावा डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसके अलावा सप्लाई चेन इन सब मुद्दों पर भी बातचीत हुई है इतना याद कर लीजिएगा टू प्लस टू कल परसों में कोई न कोई एडिटोरियल आने ही वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे देख सकते हैं ठीक है ना और बस इतना भी पता इतने से भी आप मेंस का अपना आंसर लिख पाएंगे याद रखेगा तो ये सारी चीजें हैं और यह भी कुछ खास नहीं था यह इंपॉर्टेंट है मोस्ट कॉस्ट यानी पूरे देश में सबसे ज्यादा इरोजन यानी मृदा का कटाव जिसे आप अपर्दन कहते हैं हिंदी में इरोजन इंग्लिश में अपर्दन तो आप देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च की रिपोर्ट आई है या, क्या नाम है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च कहां पर है यह संस्था चेन्नई में है ठीक है ना जो कि किस मिनिस्ट्री के साथ संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ क्या है यानी यह लगा हुआ है इसी के तहत काम करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है मेरे प्यारे बच्चों इसने क्या किया है जीआईएस मैपिंग के द्वारा यानी रिमोट सेंसिंग डेटा जीआईएस मैपिंग टेक्निक दोनों याद रखेगा के द्वारा यह पता लगाया है कि पूरे देश में अपर्दन जिस तट का सबसे ज्यादा हो रहा है वह हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसका किसका हो रहा है ध्यान रखिएगा बेस्ट बंगाल के तट का नंबर पीटी के लिए दूसरा केरला के तट पर हो रहा तीसरा तमिलनाडु और चौथा गुजरात तो आप देख सकते हैं यह पीटी का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसको आप पढ़ लीजिएगा ठीक है ना क्लियर है बच्चे क्लियर हो गया इसके बाद कहा गया मिनिस्ट्री ने कहा है यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा है कि पंद्रहवा फाइनेंस कमीशन इस अपर्दन की समस्या से निपटने के लिए पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन ने कुछ सुझाव दिए हैं पंद्रहवें फाइनेंस कमीशन ने सुझाव दिया है कि हमें क्या बनाना है पहले बनाना है केंद्र स्तर पर नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड यानी एनडीआरएमएफ और राज्य के स्तर पर स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एस, एस जिससे कि वो क्या करे नेशनल और स्टेट लेवल पर जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं उसका बेहतर ढंग से समाधान कम कर सके याद रखेगा और यह कहा गया पंद्रह में वित्त आयोग ने स्पेसिफिक यानी विशेष रूप से सुझाव दिया है कि आप अपर्दन को रोकने के लिए अच्छा प्रयास कीजिए ऐसे में यह दोनों संस्थान क्या करेंगे यानी जो ये इरोजन हो रहा है इस पर बेहतर काम कर पाएंगे तो प्लीज मृदा अपर्दन ज्योग्राफी मेंस में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं श्रृंखला में तो इसको बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना श्रीलंका के डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चों की जान बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा अर्जेंट मेडिकल सप्लाई जरूरत है स्थिति खराब है यही सारे टॉपिक यूपीपीएससी रिजल्ट लैब पर यूपी के से और आप लोग इंजॉय करिए जय हिंद लेट्स थैंक यू सो मच कल सुबह छह बजे और आज रात नौ बजे इंटरनल सिक्योरिटी पर यूपीपीसी के इस चैनल पर चर्चा करने जा रहा हूं रात को नौ बजे इंटरनल सिक्योरिटी तो जिनका भी यानी जो अभी 22 में प्री नहीं दे रहे हैं वो सारे बच्चे वहां आकर के देख सकते हैं कि कैसे वहां पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और क्योंकि पैटर्न एक है तो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं तो वहां पर आप आकर के